ये गुड वर्क किया गया है एसपी आरए विक्रांत वीर और एसएचओ विनोद गोस्वामी के द्वारा, जिसमें 48 घंटे के अंदर एक मर्डर केस, जो ब्लाइंड मर्डर केस था जिसमें कोई क्लू नहीं था, अज्ञात के विरुद्ध दर्ज था, उसका खुलासा किया गया है। माल थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मर्डर था कैशियर का, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में काम करते थे, संतोष दीक्षित, जो त्रिवेणी नगर अलीगंज के रहने वाले थे। 18 तारीख को इनकी पत्नी रीना दीक्षित, इन्होंने बताया कि रात को एक शादी विवाह रिश्तेदारी में विवाह फंक्शन अटेंड करने के बाद जो है अगले दिन सुबह इनकी जो डेड बॉडी है वो माल थाना क्षेत्र से कुछ किलोमीटर दूर एक बाग में मिली है। इस घटना के क्रम में एसपीआरए एसएचओ और इनकी टीम ने कई जगह खोजबीन करी, कई मुखबिर मामूर किए गए, उनसे सूचनाएं प्राप्त की गई, तो कई अटकलें इसमें लगाई गई थी, कुछ रिश्तेदारी के झगड़ों को लेके, कुछ आपसी अनबन को लेके, लेकिन अंत में जब पता चला सटीक जानकारी के हिसाब से तो एक कथावाचक जो ये हैं उमाकांत त्रिपाठी, थाना बबेऊ घिदा बांदा के रहने वाले हैं, जो अक्सर इनके लिए धार्मिक कार्य किया करते थे, ये वहाँ पर जमीन चाह रहे थे मठ बनाने के लिए, और इसने जो इस अपराधी द्वारा जो है 1.5 लाख रुपये भी दिए गए थे, लेकिन किसी तरह से जो संतोष जो मृतक हैं उन्होंने जमीन जो है इनके नाम नहीं की, लेकिन इनको लगता था कि उनकी जो पत्नी है हो सकता है हम इनको मार दें तो इनकी पत्नी राजी हो जाए, वो ज़मीन इनके नाम कर दें। तो इसने जो उमाकांत त्रिपाठी हैं इसने अपने ड्राइवर शिव सागर सिंह के साथ मिलकर के घटना को प्लान किया, शादी का दिन चुना ताकि किसी को कोई इसमें शक ना हो, और इनकी जो गाड़ी है इसमें इनको घुमाया, ज़मीन दिखाया, इधर उधर ऐसे बहानेबाजी करी, उसके बाद मौके पर जो है बांके से इनका हत्या कर दिया, बांका वहीं कहीं छुपा दिया। पुलिस ने जो आला कत्ल है बांका है उसको बरामद कर लिया है, साथ ही जो इसमें स्विफ्ट डिज़ायर जो UPSC EN 9120 जो प्रयोग में लाई गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। मौके पर कुछ पेन वगैरह भी मिले थे जो इन्हीं के थे, और इनकी गाड़ी में कुछ दस्तावेज जिसमें एक आधार कार्ड भी शामिल है वो मिला है जो मृतक का था। इस प्रकार से पूरे सबूत इनके विरुद्ध हैं, इनको पकड़ के जेल भेजा जा रहा है।